नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो आज है तुलसी विवाह और आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बिल्कुल आसान विधि तुलसी विवाह के बारे में। तो सबसे पहले, तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो देखिए, आज मैं बिल्कुल आसान विधि जो घर पर ही संपन्न कर सकते हैं और सबको करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए तुलसी विवाह से एक कन्यादान के फल की प्राप्ति होती है। अगर कन्या नहीं है और है भी तो तुलसी विवाह करके कन्यादान के जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी हम लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे आसान विधि आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, तुलसी विवाह शाम को होता है, शाम को ये पूजा होती है जिसमें देव उठनी और तुलसी विवाह दोनों साथ में ही हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप 5 गन्ने लें। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पूजा या तो घर के आंगन में होती है या फिर घर की छत पे होती है। तो आपके घर की छत पे या आंगन में 5 गन्ने लें और 5 गन्ने से आप मंडप लगाएं। चारों तरफ गन्ने जो ऊपर की साइड से बांध लें और फिर चारों तरफ नीचे की जो जड़ होती है उसको फैला के और मंडप टाइप का ऐसे बना लें। अब उस मंडप के नीचे आप चौक पूरे, सबसे पहले तो आप गाय के गोबर से लीप लें। अगर गाय का गोबर नहीं है तो आप हल्दी से भी लीप सकते हैं, हल्दी से उतनी जगह लीप लें और उस पर चौक पूरे। चौक पूरने के बाद वहां पर 2 चौकी रखें और चौकी के ऊपर एक पे लाल कपड़ा, एक पर पीला कपड़ा बिछाएं। जिस पे पीला कपड़ा बिछाया उस पर भगवान शालग्राम जी को स्थापित करें और जिस पर लाल कपड़ा बिछाया उस पर माँ तुलसी जी का। अगर आपके पास तुलसी जी बड़ी है, उठा के नहीं आप रख सकते, तो आप छोटा पौधा लेके आए वो आप स्थापित करें। तो एक चौकी पर आप स्थापित करें वो। उसके बाद आप धूप दीप से पूजन करें तुलसी जी का और शालग्राम जी का। शालग्राम जी को आप जनेऊ चढ़ाएं और फिर तुलसी माता को आप चुनरी चढ़ाएं। तुलसी माता के लिए जो सुहाग है वो समर्पित करें, चाहे तो सुहाग की एक वो बनी बनाई बाजार में आती है पैकेट वो, या फिर आप अलग से, क्योंकि आप चाहें तो उसको खुद इस्तेमाल फिर कर सकती हैं। उसके बाद दीपक जलाएं। देखिए, वैसे तो 31 दिया जलाने का विधान है, लेकिन 31 नहीं तो कम से कम 7 दीपक जलाएं, क्योंकि दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। और उसके बाद घर में अगर परिवार के सारे सदस्य मिलकर कर रहे हैं तो सब, या अभी आप अकेले कर रहे हैं तो फिर अकेले 7 परिक्रमा लगाएं उस मंडप की जहां पर आपने तुलसी जी को विराजमान किया है। और उसके बाद में जो भी आपके पास भोग हो वो समर्पण करें। भोग में आप ऋतु फल, बस चावल छोड़ के आप कोई भी चीज ले सकती हैं, तो वो समर्पित करें आप भोग स्वरूप में। उसके बाद भगवान की आरती करें और उस सबसे लास्ट में जो आपने चुनरी उड़ाई होती है तुलसी जी को, चुनरी के उस पल्लू में जैसे गोद भराई होती है लड़की की विदा के समय पे, उस तरीके से उसमें जो भी आप गोद में फूल फल मेवा वगैरह रख के माँ तुलसी की गोद भराई कर दें। तो ये थी बिल्कुल आसान विधि जिससे कि आप अपने घर पर भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो आप तुलसी विवाह जरूर करें। तुलसी विवाह की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता।